हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर चुकंदर का जूस। इसे हम टेस्टी और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ चार गाजर ली हैं, ये अदरक का एक टुकड़ा लिया है, ये एक आंवला ले लिया है, हमने यहाँ एक स्ट्रॉबेरी भी लिया है और एक चुकंदर ली है, और यहाँ पे हमने कुछ हरा धनिया भी लिया है, और यहाँ ये कुछ हरे पुदीने की पत्तियाँ हैं। अब हम यहाँ सभी चीज़ों को अच्छे से वॉश करके छील लेते हैं, और यहाँ हम इसको चुकंदर को यहाँ पे काट भी रहे हैं। हम चुकंदर को भी अच्छे से छीलकर काट लेंगे और आंवले को भी अच्छे से काट कर उसका बीज अलग कर देंगे। चुकंदर हमारी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है, ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन भी बढ़ाने में मदद करती है और त्वचा के रोगों से भी हमें दूर रखती है। दांतों की हड्डियों के लिए चुकंदर काफ़ी फायदेमंद है, ये बालों के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ हम अब अच्छे से आंवले को भी काट रहे हैं। ये स्ट्रॉबेरी भी डाली है, अदरक, चुकंदर, ये आंवला डाला है, ये चुकंदर डाल रहे हैं अब, अलग अलग पीसेस जो कटे हुए हैं। जो हमारे सामने आ रहे हैं हम जूसर में उसे डालते जा रहे हैं। ये हमने यहाँ पे हरा पुदीना डाला है और अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। और ये हमारे जूस अब रेडी हो गया है, इसको हम ग्लास में डाल लेते हैं। अब इसमें हम यहाँ टेस्ट बढ़ाने के लिए काला नमक डाल रहे हैं और थोड़ा नींबू का रस भी डालेंगे। ये हमारा गाजर और चुकंदर का जूस रेडी हो चुका है। ये पीने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है और हेल्थ के लिए भी काफ़ी हेल्दी है, तो आप इसे घर पर ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।